नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म शुद्ध जिनवरे अर्थ ते अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को श्री चौबीस ठाणा के अंतर अच्छी ओवम ओवन ओवन वेन्द वेन्द भविनम वेन्यानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्ते स्वयं च सुरियम शुद्धं च शुद्धात्मेन अवेनमेवन स्वभावमनस्य ममलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सुरियम् सुन्नम सहावं सुरम। बोलिए आचार्य प्रभाव सदगुरु संत तारंतरम लाल साहेब जी महाराज की जय। जिनेन्द्र भगवान की अमृत में ज्ञान रस भार और ये अमृत रस पर साथी जिनवाणी मंत्र चरण करेंगे एक साथ अपन। सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वाम और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान था यह श्री चौबीस ठाणा ग्रंथराज जी जहां पर आत्मचिंतन करते हुए तत्भ्यास करते हुए नाना प्रकार के पर्याय परिणाम के बीच में चलते हुए मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही हूं शाश्वत अविनाशी ध्रुव चेतना ही हूं इस परम सत्य की सिद्धि करने में लगे हुए। क्योंकि बहुत मार्मिक बात यह है कि चाहे कितना भी प्रयास कर लो ना भाव बदल रहे हैं, चाहे कितना ही प्रयास कर लो ना परिणाम बदल रहा है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो ना समाज बदल रही है, ना चाहे कितना ही प्रयास कर लो ना किसी का परिणमन अपने अपने स्वद्रव्य का परिणमन बदलने में अपन सामर्थ्य नहीं। तो कुछ सारा प्रयास करने के बाद क्योंकि कर्ता बुद्धि तो जीव को कराए बिना मानती नहीं, जब सारा प्रयास करने के बाद आप और हम अनुभव प्रमाण ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि चलने वाले भाव चलने वाले परिणमन चलने वाली पर्याय यहाँ अपना कुछ रोल चल ही नहीं रहा, अपना रोल प्ले हो ही नहीं रहा। फिर ये बाहर का जितना भी प्रपंच है काल अनुरूप द्रव काल क्षेत्र भावानुरूप भाव परिणाम स्थिति वातावरण बाहर में जो कुछ भी है वह अपनी योग्यता अनुसार यदि खूब जय जयकार हो जाए खूब प्रभावना हो जाए तो भी पर्याय भाव परिणमन है,
और यदि कुछ ना हो तो भी पर्याय भाव प्रणमन, जो कुछ भी है वो सब पर्याय भाव, सब प्रणमन। तो संसार में जो भी है वो सब पर्याय प्रणमन है और स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं। मैं अपने द्रव्य का भी प्रणमन, अपनी चेतनता का प्रणमन भी पलट सकता नहीं हूं। अब जब सिद्ध अनादि काल से जो जीव निगोद में है उन्हें निगोद भेजने वाला कोई नहीं है, और अनादि अनंत काल से जो जीव सिद्ध सिद्धालय में है उन्हें सिद्ध बनाने वाला कोई नहीं। अनादि काल से जो निगोद में है उसकी एक समय की पर्याय स्वभाव रूप नहीं हुई, और अनादि अनंत काल से जो सिद्ध है उनकी एक समय की पर्याय विभाव रूप नहीं हुई। तो ये संसार के प्रणमन का चक्र यथावत सुनिश्चित अपनी योग्यता अनुसार सहज प्रणमन कर रहा है। निगोदीय जीव निगोद में है, उनका अनादि निगोद के कारण से, नित्य निगोद होने के कारण से नित्य ही गोद है जिसकी, क्या है, जन्म मरण। अंतर मुहूर्त में जो जन्म मरण कर रहा है, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, ऐसी नित्य उनका निगोद का कारण कोई। अनादि अंत सिद्ध है जिनकी विभाव रूप प्रणति हुई, उनका कारण अनादि सिद्ध होने का कारण फिर वो भी कोई नहीं। अनादि से में रहने वाले जीव का जो विकार भाव रूप प्रणाम है भैया वो, जी, आवाज नहीं आ रही। भैया जी, आप म्यूट हो गए। नहीं अभी तो अनम्यूट है, आवाज आ रही है, अब भी हुए आ हैं रही है। आवाज, अब आई। अब आ गए। चलिए हम ये कह रहे हैं जो अनादि काल से निगोद में है उन्हें निगोद भेजने का कारण क्या है, कौन था उन्हें निगोद भेजने वाला, और जो अनादि सिद्ध है उन्हें सिद्ध बनाने वाला कौन। तो यहाँ कोई कारण नहीं है, अभी बाहर में कोई कारण नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर में प्रणमन तो जीव का अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है। आकर्ता भाव लाने के लिए आपको ऐसा ही चिंतन करना पड़ेगा, इन कर्म कषायों के बीच में, पुत्र परिवार के बीच में, संयोगों के बीच में, यदि आप और हम आकर्ता भाव की सिद्धि करना चाहते हैं, यदि करना चाहते हैं तो इन संयोगी भाव के बीच में, यदि आपको और हमें आकर्ता भाव की सिद्धि करना है, अभोक्ता भाव की सिद्धि करना है, तो हमें अपने स्वभाव को ही अनुभूति में लेना पड़ेगा। जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं देखेंगे, अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। तो अपने को अपना वस्तु का स्वभाव तो ग्रहण हो, क्या ग्रहण होना चाहिए कि अनंत सिद्ध सिद्धालय में जो सिद्ध है वह भी अपने स्वभाव के कारण से, और अनंत निगोद में जो अनंत अनंत जीव पड़े हैं उनकी विभाव रूप पर्याय जरूर है, विभाव रूप परिणति जरूर है, लेकिन वो भी उनके अधीन नहीं है भैया। तो भगवान आत्मा उनमें भी उनका सिद्धत्व जहां का तहां विराजमान है। आकर्ता भाव की सिद्धि करो, निगोद ले जाने वाला कोई नहीं है, सिद्ध दशा में ले जाने वाला कोई नहीं। तो फिर क्या है भैया, जीवात्मा अपत्य से पढ़ते ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मल्हार। वो जीवत्व की प्रतीति, वो जीव होने की प्रतीति, वो चैतन्य आत्मा के होने की प्रतीति का बोध हमें वो आया होता है कि वो चैतन्य ज्ञायक तत्व परमात्मा, वो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, वो अनादि अनंत परमात्मा, वो मेरे अंदर में, उस शक्ति का बोध चाहिए। और जब उस शक्ति का बोध हमारे अंदर में होता है, जब उस सत्य का बोध हमारे अंदर में होता है, तो सहज मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये पूरी चर्चा बोध की है, बोध की प्रतीति चाहिए यहां अपने को, काय की प्रतीति चाहिए। ये देखो देखो, जगत का परिणमन, जगत का प्रवाह है, अनंत अनंत जीवों का प्रवाह है, अपनी योग्यता में चल रहा है, और अनंत अनंत जीव अपने कर्म रूप प्रणमित हो रहा है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव रूप प्रणमन कर रहे हैं। और देखो देखो, जब इनके प्रणमन को कोई नहीं बदल सकता, तो फिर मेरे प्रणमन को भी कोई नहीं बदल सकता।
मैं भी सिद्ध स्वरूपी ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, मेरा परिणमन भी शाश्वत है, अविनाशी है और ध्रुव है। मेरे परिणमन को भी बदलने वाला कोई नहीं है, अर्थात बाहर का परिणमन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपको अपनी प्रतीति नहीं छोड़ना। क्या प्रतीति नहीं छोड़ना? कि जैसे अनंत सिद्ध सिद्ध सिद्धालय में अपने आनंद में लीन है, वैसे ही सिद्ध स्वभावी आत्मा, इसका बोध जब तक अपने को नहीं आएगा ना, तब तक अपनी पर्याय में दिमाग लगा रहेगा, उपयोग पर्याय में लगा रहेगा। और जब तक उपयोग पर्याय में लगा रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। यहाँ चौहान दादा उनसे उनके साथ चले। हाँ चौहान दादा। तो जब तक अपना उपयोग अपनी अंतरात्मा में नहीं लगेगा, जब तक अपना उपयोग अपने स्वभाव के सहकार में नहीं लगेगा, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा। हाँ नीचे पूछ। चौहान दादा है, आवाज लगा लो, हमें प्रवचन करवाना है। ठीक है चौहान दादा। तो जब तक अपना उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं आएगा, जब तक अपना उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव की ओर नहीं आएगा, तब तक अपने अंतरात्मा की ललक, अपने अंतरात्मा की भलक अपने अंतर में नहीं जाएगी। तो यहां अपने को स्वशक्ति के बोध की आवश्यकता है। पर्याय पर्याय परिणमन, बाहर की परिणति, विभाव भाव, स्वभाव भाव, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये ना स्वभाव भाव आत्म तत्व के आश्रय से प्रकट होता है। ठीक भैया, वो स्वभाव भाव आत्म तत्व के आश्रय से कैसे प्रकट होता है? जब जीव स्वभाव रूप पर्याय को भी अपने अंतर में स्वीकार नहीं करता, सम्यक दर्शन की इच्छा भी नहीं हुई, सम्यक ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा भी नहीं है। यहाँ अपेक्षा काय की है? यहाँ अपेक्षा है, यदि अपेक्षा रखनी है अपने आप को, अपने को कोई अपेक्षा रखनी है तो तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं भैया, यदि तुम्हें किसी से आशा लगानी है तो अपने ध्रुव स्वभाव, अपने सिद्ध स्वभाव की आशा लगाओ ना, लगानी है तो, नहीं तो आत्मा तो निरपेक्ष है, और जब तक उसे अपेक्षाओं से रहित होकर नहीं देखेंगे अपन, तब तक वो स्वीकार नहीं होगी। तो ऐसी बात कब आती है? जब अपन पर्याय परिणमन को सबको बदलने की पूरी कोशिश कर दो ना, आप पूरी ताकत लगा लो पर्यायों को बदलने की, परिणमन को बदलने की, भाव को बदलने की, अपने सहयोगी भूमिका को बदलने की, आप पूरी ताकत लगा लो, पूरी ताकत लगा लो। और जब पूरी ताकत लगाने के बाद अपन नहीं परिणाम करा पाते, तब भगवान का सिद्धांत स्वीकार होता है। क्या स्वीकार होता है? जीवात्मा एक समय का परिणमन भी बदलने की चेष्टा तेरे स्वभाव में, एक एक समय का पर्याय परिणमन बदलने की चेष्टा तेरे स्वभाव में नहीं है। तू अनादि सिद्ध भगवान आत्मा। जब इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं तब हमें आत्म कल्याण की भावना प्रकट होती है। और यदि अपन इस सत्य को ना जान पाए, इस सत्य को ना अनुभव कर पाए, इस सत्य की यदि अनुभूति अपने अंतर में ना हो, तो अपना कभी तीन काल में कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए बोध चाहिए, स्वतत्व का बोध चाहिए अपने अंतर में, अपने स्वतत्व का बोध चाहिए। देखो बहुत सरल है, सहज है। क्या सहज है भैया? अपने अंतर में अपने ज्ञान भाव को जगाने के लिए अपने को इन कर्तव्य बुद्धि को, शुभ अशुभ परिणाम को अपने से अलग करना ही पड़ेगा। तब उठते बैठते, साथ सोते जागते, तब अपने को विश्वास होगा कि भाई देखो निगोद में जो सत्ता है वो भी वही है, सिद्ध शिला में जो सत्ता है वो भी वही है, और मेरे अंतर में जो सत्ता है वो भी वही है। मेरे अंतर में शक्ति का, मेरी अंतर सत्ता का, और क्या कहते हैं सिद्ध शिला में विद्यमान सिद्ध भगवान और निगोद में विद्यमान निगोदिया जी, इन सबकी सत्ता में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ पर्याय धारा। और देखो इस पर्याय धारा को पलटने के लिए पूरा प्रसाद कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं कि अपनी पर्याय बिला जाए, मनुष्य पर्याय बिला जाए, स्त्री पर्याय बिला जाए, पुरुष पर्याय बिला जाए, और कौन से पर्याय आ जाए भैया? अनादि सिद्ध पर्याय आ जाए, सिद्ध स्वरूप दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय आ जाए। सारा प्रसाद पर्याय को बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो कोई बदलाता ही नहीं। मम्मी को फोन लगा के बोल दो कि वो यही। तो
कौन लाया? मम्मी से बोल दो कि वो यहीं है। ठीक, तो ठीक है। तो अपन उस सत्ता को, उस शक्ति को, उस स्वभाव को यदि स्वीकार करें तो अपने को समझ में आएगी बात। और यदि अपन इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे ना, यदि इस ध्रुव शक्ति को, इस अंतरात्मा को यदि अपन अंतर से अनुभव ना करें ना, तो अपने को बात कभी स्वीकारता में नहीं आएगी। देखो बड़ा कठिन विषय लगेगा आपको, आपको ऐसा लगेगा कि यदि हम अपने आप को सिद्धि स्वरूपी भगवान आत्मा मान लेंगे तो हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। यदि हम ऐसा ही मान लें कि निगोदिया का परिणमन स्वतंत्र है, सिद्ध से लाके सिद्ध भगवान का परिणमन स्वतंत्र है, हमारा परिणमन भी स्वतंत्र है, यदि हम ऐसा मान लेंगे तो हम पाप विषय में रत नहीं हो जाएंगे, हम कसाय और मोह में अंधे नहीं हो जाएंगे, हम पाप विषय रूप आशक्ति रूप परिणमन नहीं करने लगेंगे। तो हमें यहाँ पे ये बोध 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 आत्म तत्व का बोध, अपने अंतर में अपने स्वभाव का, अपनी शक्ति का बोध, आकर्ता स्वभाव ही आकर्ता भाव में इस शक्ति को जानना है, आशक्ति में इन आशक्ति से हटके देखना है। कौन सी आशक्ति से? पर्याय की आशक्ति से हटके देखना। देखो अपन कहते हैं ना बार बार कि पर्याय की दृष्टि तोड़ना है, पर्याय की दृष्टि तोड़ना है, पर्याय की दृष्टि तोड़ना है, पर्याय की दृष्टि तोड़ना है। तो भैया पर्याय की दृष्टि तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे? हे जीवात्मा, यदि तुम्हें पर्याय दृष्टि छोड़ना है, पर्याय प्रणवन की दृष्टि छोड़ना है, तो तुम छोड़ोगे कैसे? इन पर्यायों से, इन परिणामों से, इस पर्याय से, इस परिणाम से रहित अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा को कैसे देखोगे? अरे एक एक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा जीव, तभी इन पर्याय की दृष्टि को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? देखो अच्छा कितना विकल्प हो रहा है कि भैया यदि हम ये मान लें कि हम तो इस बाहर के परिणाम को पलट ही नहीं सकते, हम तो सिद्ध स्वभाव ही भगवान आत्मा, तो क्या करें भैया? हाथ पे हाथ रखे वो लीन हो जाए क्या? साधु दशा में अपना क्या कह रहे हैं, साधु दिगंबर साधु होके और शुद्ध उपयोग में लीन हो जाए? कह रहे बात तो आपकी बिल्कुल ऐसी चल रही है कि हाथ पे हाथ रखो, आग बंद करो और साधु दशा में लीन हो जाओ, और कह रहे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, केवल दर्शन पिकटाओ, अरिहंत अवस्था पिकटाओ, और फिर थोड़ी देर में कपूर की तरह शरीर उड़ जाए और लोकाग्रवासी सिद्ध हो जाओ, बात तो आपकी ऐसी चल रही है। अरे हमारी बात अभी ऐसी चल रही है कि वो अरिहंत दशा भी मेरी नहीं है, वो 18 दोषों से रहित जो अरिहंत दशा प्रकट हुई है, वो अरिहंत दशा से ही मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि वो छूटने वाली है, और एक समय के लिए सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है भैया? अभी बात ये चल रही है कि करना धरना नहीं है, पहले कर्ता बुद्धि तोड़ो। फिर क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है कि जिस त्रिकाली स्वभाव में, जिस सिद्ध स्वभाव में किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है, पहले उसे भेद रहित होकर स्वीकार करके पता, लोभ लालच से नहीं, मोक्ष के लालच से अपने सिद्ध स्वभाव को याद मत करो, मुक्ति के लोभ में अपने सिद्ध स्वभाव को याद मत करो। हाँ तारण स्वामी ने उपदेश दिया है, लोभ करना है तो आत्मा का लोभ करो, यह बात साधना अपेक्षा से बिल्कुल सटीक है, ऐसे जीव का कल्याण होगा। लेकिन अभी जिस अपेक्षा से चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उस अपेक्षा से ये कह रहे हैं स्वार्थवत बस अपने परमात्मा को याद मत करो, अरे कभी निस्वार्थ प्रेम भी तो करो अपनी शुद्ध आत्मा से, कभी सिद्ध स्वभाव से, निस्वार्थ भाव से भी तो प्रीति करो, विकार भाव अपना भी चले, अज्ञान भाव, विषय कसाय के भाव, मोह के भाव, राग के भाव, विकथाओं के भाव, अब्रह्म के भाव, जितने भी प्रकार के विकार हैं, 21 प्रकार के सारे उदाहरित भाव हैं, जितना भी कचरा कूड़ा वो अपना पिला जाए। कचरा कूड़ा कब पिला जाएगा, कैसे पिला जाएगा? जितना भी कचरा कूड़ा है वो कैसे पिला जाएगा, कब पिला जाएगा? ये संसार की माया, ये संसार का जो परिणमन है, ये कैसे छूटेगा? जब अपन अपने अंतर आत्म तत्व का बोध जगाएंगे तब ये विकार परिणाम छूटेंगे।
इसलिए वार 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 यहां उपदेश दे रहा है जीवात्मा थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए, थोड़ी सी देर के लिए निसल होके, क्षण मात्र के लिए निसल होके ऐसा चिंतन ही कर लो, ऐसा चिंतन कर लो कि ये बाहर के निगोद का परिणमन भी निगोदिया के हाथ में नहीं है, सिद्ध भगवान का परिणमन सिद्ध भगवान के हाथ में नहीं है, और मेरी जीवात्मा में जो का जो संयोग रूप परिणमन चल रहा है स्त्री पुरुष पर्याय रूप, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। ये सब व्यवस्था सब अपनी होनहार और तत्समय की योग्यता की। और साथ क्या है, इस होने वाले परिणमन के बीच में कितना समता भाव और कितना सहज आनंद का भाव अपने अंतर में है, ये है साधन। कितना अप्रभावी है जीव, विश्वास अपने सिद्ध स्वभाव का, विश्वास कितना अच्छा है उपयोग में, जीव को अपनी शाश्वत ध्रुव सत्ता की कितनी श्रद्धा है कि मैं तो इन परिणामों को छूता भी नहीं हूं, इस परिणाम को छूते नहीं। अच्छा भैया एक बार बताओ, यदि हम ऐसी श्रद्धा कर लेंगे तो हम तमाशे खा सकते हैं कि ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यदि ऐसी श्रद्धा कर लोगे तो अवक्ष खाने की आसक्ति किसके अंदर प्रकट होगी? हाँ, अवक्ष खाने का परिणमन हो सकता है, अब ये बहुत ऊपर की बात है। भूल चूक भूल बस, यदि कोई चीज आप ग्रहण कर लो, 7 दिन की मर्यादा के ऊपर का 8 दिन का आटा आप यदि ग्रहण कर लो तो ऐसा परिणमन हो सकता है, लेकिन ग्रद्धता नहीं रहेगी वहां। हमें बासी रोटी खानी है, एक रात की रोटी खानी, क्यों? एक दिन पहले रोटी बनाकर रखो और दूसरे दिन बासी रोटी खाओ तो क्या होता है, ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। रोटी का पोहा बना के खाओ तो ज्यादा स्वादिष्ट लगता। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं चाहिए। हमारी बात वैसी अटपटी होती है, पेचीदा होती है, जो भी हम लेते हैं वैसे सर के ऊपर से जाने वाले होते हैं। लेकिन आपको बस इस चर्चा में सिर्फ इतना समझना है कि आप जो पढ़ते हो ना कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मचा रहा, जो पढ़ रहे हो ना, उस बात को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको ऐसा ही चिंतन करना पड़ेगा, तब आप और हम चलने वाली पर्याय धारा से अलग हो पाएंगे। अलग 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 तरीके हैं। कोई कर्म फल का विचार करते हैं कि हम ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, तो अशुभ कुछ अटके शुभ में आते हैं, और शुभ में रहते हुए भी जीव ऐसा विचार करता है कि ये शुभ भाव भी संसार का कारण है, तो शुद्ध शुद्धात्मा की भावना भाता है। ये कर्णानि योग का तरीका है, और जो तरीका भी हम यहाँ कह रहे हैं वो द्रव्यानि योग का। द्रव्यानि योग मात्र वस्तु के द्रव्य के स्वभाव को प्रदर्शित करता है, द्रव की शक्ति को बताता है, द्रव के अखंड वस्तु, द्रव की अखंडता को सिद्ध करता है। और यहाँ द्रव्यानि योग का कथन ये बोल रहा है कि द्रव में सिद्धत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं कर सकता, सारे द्रव अनादि से बाल ब्रह्मचारी ही है, सिद्धि है। क्यों? क्योंकि किसी द्रव ने किसी पर द्रव रूप परिणमन नहीं किया। अभी द्रव्यानि योग ये कह रहा है, अभी निरुनिश्चय है निखालिस सत्य ये कह रहा है कि अनादि अनंत आद्यम अनादि शुद्धम अविट्ठम जिनवरे ही शेषण। अभी वस्तु का स्वभाव ये कह रहा है कि आत्मा तो अनादि अनंत सिद्ध है, कहना प्रमाण दो, तो कहना अनंत सिद्ध भगवंत जिन्होंने कभी विकार भाव रूप परिणमन नहीं किया वो व्यवहार प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? कि इन्होंने कभी संसार को देखा ही नहीं। कहना अनादि सिद्ध भी है क्या? कहना अरे क्यों नहीं है, मोक्ष मार्ग या ये क्या बोलते हैं सिद्ध सिद्ध दशा, कोई इसको किसी ने बनाया थोड़ी ना है, अनादि अनंत, अनंत जीवात्मा अनादि अनंत काल से अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव के रस में डूबे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि संसार कैसा होता है, राग क्या होता है, देश क्या होता है, कसाय क्या होती है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी संसार में आए नहीं। और जो सिद्ध हो गए उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है, तो वो भी अनजान इन कर्मों से। भैया बताओ तो, जब इतने सारे सिद्ध भगवंत जब इस संसार को जानते ही नहीं है, तो आप और हम क्यों पागल हुए जा रहे हैं संसार के मोह और राग में? अरे बढ़िया निराकुल आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा की सिद्धि करने के लिए बढ़िया निराकुल अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का चिंतन करो ना। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम पढ़ रहे हैं अपन, है ना?
ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्ध हूँ, मैं अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ, मैं अपनी शाश्वत सिद्ध सत्ता को नमस्कार करता हूँ, और उपयोग लगा हुआ है एक एक समय की पर्याय को पकड़ने के लिए, उपयोग लगा है एक एक समय की पर्याय में, एक एक समय के परिणाम में, और जाप काय का कर रहे हैं भैया, ओम नमः सिद्धम। जीवात्मा पकड़ो तो कि कहे क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, मान क्या रहे हो, और वस्तु का स्वभाव कैसा। हमें तो नित्य निगोदिया का कारण ला के दो, वो नित्य निगोद में क्यों, कारण चाहिए, कारण कह दो भाई, अज्ञान मिथ्यात के कारण, तो अज्ञान मिथ्यात कौन सा, कहने अनादि मिथ्या दृष्टि, बोलना आग्रहित मिथ्यात, जो जीव के पास अनादि से है, तो अनादि से है तो आया कहां से, कहने ये ही तो नहीं मालूम, तभी तो अनादि से कहते। अच्छा तो कहना उसके संसार का कारण कोई निमित्त नहीं है, कहले कुछ नहीं है, तो कहना उपादान है, कौन सा उपादान है, कहना उसकी होनहार, कहना कैसी होनहार उसकी, कहना भैया जब नित्य निगोदिया सारे जीव भव्य है, तो वो भव्य आत्मा नित्य निगोदिया में पड़े हुए हैं, उनकी भव्यता जागरण क्यों नहीं हो रही, और क्यों नहीं होगी, दूरानुदूर भव्य है, क्यों नहीं होगी। अरे भैया इसलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भैया, कहना भाई उनका उपादान कारण ऐसा है कि वो होनी नहीं है। अच्छा कोई चाहे कितने प्रसाद करे तो नहीं होगी, कहना होगी नहीं, दूरानुदूर भव्य, यदि जनवाणी सुन ले समोषण में चला जाए तो क्या उसकी होनार जागृत होगी कि नहीं होगी, कहना होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि दूरानुदूर भव्य, कहना होनहार ही नहीं पलटेगी, कहना पलटेगी नहीं, अभव की तो छोड़ो, अरे अनंत भव जीवों की होनार कभी पलटेगी नहीं। भाई क्या कहना चाह रहे हो आप, आकर्ता चाहिए, आकर्ता आत्मा, आकर्ता करने का भूत बाहर निकाल दिमाग से। अच्छा अनंत सिद्ध आत्माएं किले सिद्ध सिद्धालय में है, क्या प्रसाद करके गए, कहना वो तो अनंत से ही सिद्धालय में, कहना क्या प्रसाद किया, कहना उनका स्वाभाविक भाव ही सिद्ध है। अच्छा अनंत जीव संसार में परिभ्रमण करना है, और इनमें से जो जीव अपने आत्मा का कल्याण कर पा रहे हैं, जो अरिहंत सिद्ध आदि दशाओं को उपलब्ध हो रहे हैं, कहले ये क्या कर रहे हैं, कहना होनहार काल लब्धि पक रही है, भावना भा रहे हैं, तो भैया कल्याण हो रहा है, तो भैया सब सबका क्यों नहीं हो रहा, तो भैया पुरुषार्थ तो नकार रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ ही यही है कि सबके परिणाम को स्वतंत्र देखो, इसका नाम पुरुषार्थ। जैन धर्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अकर्तावा, कि मैं नहीं करता, जगत में कोई नहीं करता, और जगत में कोई कर सकता नहीं, और जब कोई कर सकता नहीं तो हाथ पे हाथ धरो और बैठ जाओ, ना वो शरीर का परिणाम करने वाला भी मैं नहीं। अच्छा तो हाथ पे हाथ धर के बैठने के शरीर का परिणाम करने वाला भी मैं नहीं, तो कहना नहीं। अरिहंत दशा का करता भी मैं नहीं, तो कहना नहीं, तो फिर क्या, अरे अनादि से जो सुख पूर्वक सबको जान रहा है, सबको अनुभव कर रहा है, सबको देख रहा है, वो ज्ञायक स्वभावी परमात्मा मैं हूं। ऐसे अंतर आत्म स्वभाव की निष्ठा को, अंतर ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा को अपने अंतर में रखो, और जब तक अपन ऐसे आत्म स्वभाव की निष्ठा नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि में दिमाग लगेगा, और जब तक अपना कर्ता बुद्धि में दिमाग लगेगा, पर पर्याय में दिमाग लगेगा, तब तक अपने को आत्मा का बहुमान, आकर्ता स्वभाव का बहुमान नहीं आएगा। अच्छा बताओ भैया, यदि हम आकर्ता स्वभाव का बहुमान करेंगे तो क्या हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, क्या हमारा रस पर पर्यायों का आन लगेगा क्या, कहना भैया यदि रस पर का बड़ा है तो तुमने आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को स्वीकार कहां किया, ये बताओ, कर्ता बन रहे हो तभी तो पर का रस बन रहा है, बड़ा है ना, भोक्ता बन रहे हो तभी तो पर का रस बड़ा है ना, बिना कर्ता भोक्ता के क्या पर का रस बढ़ सकता है, क्योंकि सुना तो हमने ऐसे ही है कि जितनी जितनी आत्मा की रुचि लगती है, जितना जितना आकर्ता भाव प्रकट होता है, उतनी उतनी संसार की आसक्ति घटती है, सुना तो ऐसा है, और यदि बढ़ रही है इसका अर्थ क्या है, या तो पूर्व सत्ता में पड़े कर्मों की धारा तीव्र है तो उदय में आ रही है तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लेकिन बढ़ नहीं रही, और या तो अपना मार्ग उल्टा है,
अपना रास्ता उल्टा है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। दो कारण हैं, एक कारण नहीं मान सकते। या तो पूर्व कर्मों का वेग तीव्र है इसलिए बढ़ती हुई दिख रही है, या तो आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो मानते नहीं हो, अकर्ता कह रहे हो, अकर्ता भाव में अपने आत्मा की प्रतीति नहीं। भैया पहले बताओ हम चर्चा क्या कर रहे हैं, नहीं आ रही ना समझ में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि है सत्ता की हंतकार जीव के अंदर से जाग जाए तो फिर मोक्ष मार्ग की साधना करें। यहाँ वो जीवत, वो ध्रुव चेतन शक्ति, वो अनादि सिद्ध स्वरूप, वो गायक परमात्मा में हूं, ऐसी अपनी है सत्ता की हंतकार अपने अंतर से जाग जाए तो अपने सारे झंझट, सारे कार्य और सारे बाहर के प्रपंच अपने आप छूट जाए। और जब तक ये मैं ही त्रिकाल शुद्ध निरावरण वीतराग सत्ता केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा मैं ही हूं, जब तक ऐसी है सत्ता की हंतकार अंतर से नहीं जगी तो इस संसार में कुछ भी कहीं भी कैसे भी होने वाला कुछ भी नहीं। जब तक आत्म तत्व की ज्ञायक तत्व की हंतकार नहीं जगेगी, सिद्ध स्वभावी परमात्म तत्व का बोध नहीं आएगा, तब तक आत्म कल्याण जैसा कोई काम होने वाला नहीं। बात इतनी सी है कि इस परिणमन में ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है अपने आत्म तत्व के सहकार में ज्यादा दिमाग लगा। अब इसके लिए साधन आप स्वाध्याय बनाओ, कर्णानि योग बनाओ, चरणानि योग बनाओ, प्रथमानि योग बनाओ, आपको साधन माध्यम जो बनाना है वो बनाओ, उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि माध्यम निमित्त तो मात्र साक्षी है, आप निमित्त क्या बनाते हो इससे लेना देना नहीं। लेकिन विश्वास कैसे देते हो पर्याय को या स्वभाव को, लेना देना इससे। हाँ ये देशना भी निमित्त है, आप निमित्त क्या है इससे कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। निमित्त कौन सा है आपके पास, इससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना इससे है कि आपको अनादि अनंत अपने सिद्ध स्वभाव की गाढ़ प्रतीति किसको है, किसको है? ऐसा कह सकते हो? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लोग ऐसे सिद्धांत बनाते हैं कि शुभ भाव में ही ये सब होता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। नरकों में क्यों होता है, शुभ भाव में होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ ऐसा है कि जिन जीवों के ऐसे परिणाम होते हैं, आत्म सन्मुख जो जीव होते हैं उनका परिणाम, उनके परिणाम शुभ देखे जाते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं बना सकते। सिद्धांत बनाओगे तो फिर नर्क में क्या होता है, महाभाव शुभ होते ही नहीं। हाँ यह त्रिकाली का जहां श्रद्धान होता है वहां अशुभ लेस्य होते हुए भी, अशुभ लेस्य का कर्म उदय होता है, अशुभ लेस्य होते हुए भी वहां उसमें रस नहीं होना चाहिए, और ये रस टूटता है सम्यक दृष्टि का या आत्म ज्ञानी साधक। अभी अपन इससे बहुत दूर है, तो क्या करना है, दिल्ली दूर ही सही लेकिन सत्य को सत्य तो बोलो। हमें पता है मंजिल बहुत दूर है भी, कोई बात नहीं, लेकिन तारण स्वामी के भक्ति का समय अपन ऐसा बोलते हैं नहीं, तारण स्वामी की भक्ति से भक्ति भक्ति करते समय अपन बोलते हैं कि लक्ष्य कोष की गेल है पल में पहुंचे। यदि लक्ष्य यदि वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है तो चर्चा कुछ भी चल रही कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपने लक्ष्य में यदि अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है, तो चर्चा कोई भी कर रहा हो, चाहे महाराज जी चाहे कर्णानि योग के विषय से बोल रहे हो, प्रणाम की समाल से बोल रहे हो, या फिर हम बिल्कुल एकदम उल्टा, उल्टा कुछ नहीं होता, हम एकदम द्रव्यानि योग से बोल रहे हैं, एकदम ही हमारा कथन एकदम ही अलग हो, महाराज जी कथन एकदम समाल का था और हमारा कथन एकदम ही, यदि कोई नया नया व्यक्ति सुने तो एकदम ही उल्टा सुनाई देगा उसे, ये तो एकदम ही उल्टा बोल रहा है, एकदम ही अलग बोल रहा है। लेकिन भैया वक्ता का अपना अपना अभिप्राय एक ही है, और वो अभिप्राय है एन केन प्रकरण किसी भी हालत में अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की प्रतीति को जगाना, और वो जब तक नहीं जाग सकती जब तक दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तरता पने का कचरा भरा हुआ है, समय दर्शन करने का भी कचरा भरा हुआ है ना, तो भी वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा वो अपनी प्रतीति का विषय नहीं बनेगी। देखो ये ऐसी चर्चा है
वैसे ही सर के ऊपर से जाती है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसी चर्चाएं वैसे ही सर के ऊपर से जाती है। और यदि आप अच्छे एकाग्रता से ना सुनो तो बिल्कुल कुछ समझ में आने वाला नहीं, बल्कि ऐसे ही लगेगा कि भैया जी तो पागल हो गए। क्यों पागल हो गए भैया? कहना ये तो प्रसाद प्रसाद कुछ मानते नहीं है, ये तो स्वच्छंदी है, कहना इन्हें प्रसाद प्रसाद से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी संभाल वमाल करना नहीं है, इसलिए ये मैं आत्मा हूँ, 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 ये पागलों की तरह चिल्लाते रहते हैं। इन्हें दोहरे पड़ते हैं, आत्मा का टेक आते हैं, आत्मा का टेक आते हैं, मतलब ये चर्चा करने बैठते तो आत्मा 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 भगवान, एक घंटे में कितनी आत्मा बोलते हैं पता ही नहीं लगता। इन्हें अटैक आते हैं ना भैया, इन्हें दोहरे पड़ते हैं आत्मा। भैया ये बात सही है कि पागलपन तो है हमारे पास, आत्मा का पागलपन, लेकिन भगवान जी इसके अलावा हमने दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय हो तो बता। आत्म स्वभाव की प्रतीति के अलावा हम चाहते हैं कि आज हमें सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, आज हम साधु हो जाए, आज हमारा पंचम गुण स्थान, अरे आज हम सोच रहे हैं हमारा चौथा गुण स्थान शुद्ध हो जाए, तो आज घर छोड़ने के बाद चौथा गुण स्थान शुद्ध होना असंभव लग रहा है। पांचवा तो छोड़ो, 18 क्रियाएं जो तारण स्वामी ने निश्चय व्यवहार से कही है, उन 18 क्रियाओं का पालन करना दुर्लभ है। निश्चय व्यवहार दोनों से, व्यवहार से तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन निश्चय से सात व्यसनों का त्यागी और 18 क्रियाओं का जो पालन करने की प्रेरणा तारण स्वामी ने दी है तारण शास्त्राचार्य ग्रंथ में, उसका अंश नहीं, भावना तो है लेकिन वैसा अंश नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान जी? क्या दवाई का सेवन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कितनी गोली खा रहा है जिनमें? कहना चार, अभी बुखार आया था, कितनी गोली खाई? कहना तो मरते दम तक नहीं खाते, कहना वैसे तो कहना अभी बुखार आया तो कहना हालत उल्टी की सीधी, कहना कितनी खाई दिन में? कहना चार सुबह और चार शाम। कहा भैया कहाँ गई भगवान आत्मा? कहना भगवान आत्मा, कहना उसका तो पता ही नहीं था। अच्छा और भगवान आत्मा कहाँ चली गई थी? कहना वो वेदना के काल में, कहना भगवान आत्मा तो मर गई थी, कहना फिर कौन जीवित हो गया था? कहना वो शरीर जीवित हो गया था, और शरीर प्राण आ गए थे, कहना और शरीर में प्राण आके अटक गए थे, शरीर में प्राण आकर अटक गए थे, उठते बैठते चलते फिरते नहीं बन रहा था, तो प्राण शरीर में आकर अटक गए थे, कहना डॉक्टर ने कहा खानी तो पड़ेगी, और नहीं खाए तो तुम जान, चुपचाप अंदर चली गई वो गोली। कहना भाई कहाँ गए 18 क्रियाएं? कह लगे अब पता ही नहीं कहाँ गए। क्या हुआ? कह लगे कुछ नहीं। क्या हो रहा है? कहना कुछ नहीं। कहना परिणाम अपने हाथ में था? कहना भाई दृढ़ता ही नहीं थी, उस प्रणमन को अपन ने दृढ़ता से अपन उसको पालन ही नहीं कर पाया, उस प्रणमन में अपन दृढ़ ही नहीं हो पाया, घटा घट अपन छाते गए भैया। कहना कहाँ गए व्रत, कहाँ गए संयम? कहना सब कचरे में चला। कहना भगवान आत्मा अहंकार ही काय कर रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, पहले ही मान लेते ना कि हमारे शुभ योग है, इसलिए 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन जितना हो पा रहा है उतना ही हो रहा है, और जब नहीं होने का काल है तब तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकते, फिर क्या, फिर अब कर्ता बुद्धि छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, और मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, इस आनंद को थोड़ा बहुत चख लो तो मोक्ष हो जाए, नहीं तो पंचम काल है, पंच शरीर है, ना जाने कब कौन से हॉस्पिटल में पटकते और पूरे नियम व्रत धरे के धरे रह जाए, बड़ी खतरनाक स्थिति है जी। जब पाप बंधते हैं तब तो पता ही नहीं रहता, पाई की परसों समाधि हुई, समाधि ने मतलब संबोधन किया, एक ही संबोधन किया बस, ना मैंने परिवार छुड़वाया, ना मैंने घर छुड़वाया, मनीष आंटी ने फोन लगाया था नीलेश पंडित जी के, हाँ मैं कच्चू नहीं छुड़वाया, चवन्नी नहीं छुड़वाई, 10 मिनट बोला सिद्धता बोला कि तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, और सिद्धत्व के अलावा तुम्हारा कोई परिणाम ही नहीं है, भूल जाओ दुनिया को, बस इतना याद रखो कि वो शाश्वत सिद्ध सत्ता, वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव मेरे अंतर में प्रवर्तमान हो रहा है, इतना इतना संबोधन किया, 8-9-10 मिनट जितना बोला, सिर्फ इतना बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही कि कुछ हो ही नहीं सकता अपने अनुसार, जिसका जो होना है वो हो
रहा है होके रहेगा, वस्तु से अभी ईमानदारी से स्वीकार कर लो तो सुखी हो जाओगे, और नहीं कर पाए तो थोड़े दिन जूते और खा के सुखी हो, थोड़े दिन और ठोकर खा लो, समाज में भटक लो, अपनी इंद्रिय विषय वासनाओं की पूर्ति कर लो, अपनी थोड़ी मनमानी और कर लो। अभी भी नहीं समझ में आई तो थोड़े और जूते चप्पल पड़ेंगे, कर्मों की और लाठी पड़ेगी, थोड़े कर्मों के वेग और बढ़ेंगे, तब समझ जाना, समय ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोक्ष जाना है। यदि आत्म कल्याण करना है तो आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा को तो तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और उसे स्वीकार करे बिना कुछ नहीं होने वाला। क्या कह रहा है भगवान जी, आत्मा आकर्ता है, आत्मा आभुक्ता है, कहने में कितना अच्छा लगता है, और जब परिणाम की धारा आती है तब जीव कैसा बहता है, निष्ठुर हो जाता है, एकदम निष्ठुर हाथ पांव खड़े कर देता है, अब भैया अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, पहले ही मान लेते। तो जितना आश्रव तुमने अहंकार अहम बुद्धि से तुमने जितना आश्रव किया है, तुमने अहम बुद्धि से अज्ञान मानताओं से, पहले ही आकर्ता बन जाते, पहले ही आभोक्ता मान लेते, पहले ही शुभ अशुभ के परिणाम से भिन्न रहते, आत्मा की प्रतीति गाढ़ी रखते, तो क्या होता, तुम्हें आकुलता नहीं होती, दुख नहीं होता, तुम्हें उस परिणाम में वेदना नहीं होती, तुम पहले ही कर्ता बने रहे, अहंकार में फूले रहे, यश कीर्ति वैभव चलता रहा, सब जय जयकार करते रहे, तो तुम अहंकार में फूले रहे, और शरीर की प्रतिकूलता आई तो तुम अहाकार करने लगे, बाहर में तो फिर भी जय जयकार हो रही, शिविर तो ऐसा 10 गुना अच्छा हुआ, बाहर तो फिर भी जय जयकार हो रही थी, तुम्हारे अंदर में तो अहाकार थी कि नहीं थी, बाहर के परिणमन में बिल्कुल उल्टा और अंतर के परिणमन में बिल्कुल उल्टा। वो ये मायाचारी देख के बड़ा अचरज होता है, बाहर कुछ ओरिज बिल्कुल अलग और अंतर बिल्कुल उल्टा, और अनादि काल से जीव उल्टो जीव अनादि को, इसी का नाम कि बाहर कुछ और दिखाई देता है और अंतर कुछ और दिखाई देता है, और इस अंतर और बाहर के परिणमन को एक जैसा करना है तो तुझे अपने ज्ञायक तत्व परमात्मा के आश्रय के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय, बस ये उपाय अच्छा नहीं लगता, आकर्ता होकर बैठना, ब्रह्म स्वभाव की प्रतीति में धुन लगा लेना, अपने ज्ञायक स्वभाव का स्मरण में बैठ जाना, ये सब अच्छा नहीं लगता, बस जिसमें मान सम्मान मिले वो कार्य अच्छा लगता, बड़े प्रभाव ना हो, बेहतरीन जनाजन प्रवचन हो रहे हो, बढ़िया लेखन चल रहा हो, चारों तरफ लोग पढ़ रहे हो, 1000-2000 लोग रोज अपनी पोस्ट देख ले, और रोज हजार वो जब ममल पहाड़ की पोस्ट पे रोज 1000-1500-2000 व्यू देखते हैं, मन को प्रसन्न हो जाता है। ममल पहाड़ जी की पोस्ट है, डीपी के साइड जब पोस्ट डालते हैं, जब फेसबुक के उसके 2000-1500 व्यू आते हैं, तब आत्मा खुश हो जाती है, काय को खुश हो जाती है, तो बता अरे इतने सारे लोगों ने देख लिया, अरे मूर्ख प्राणी, ओ गुरु माया ने क्या लिखा है वो मैं ही तो नहीं देख पाया, अब अपने को गुरु महाराज की बात दिखाई दे नहीं रही, और 1000-2000 लोगों ने देख भी लिया तो भगवान जी उन्हें देख के उन्हें, जब तुम्हें ग्रहण नहीं हो रही तो उन्हें क्या ग्रहण हुई होगी, और उनकी योग्यता उनकी पात्रता उनके पास उन्हें हो भी गई हो तो तुम्हारे किस काम की, बस ये चिंतन नहीं होता, ये चिंतन तो यही होता है जब यहाँ तत्व चर्चा में बैठो तभी होता है, बस इसके बाद ये चिंतन खत्म, इसके बाद तो वही गोरख धंधा, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10, अभी क्या है कर्मों की ज्यादा चोटें नहीं मिली ना, पुण्य का उदय यशस्वी भवा वाला है हमारा, जहां जाओ वहां जय जय का, तो अभी कर्म की चोटें नहीं मिली ना, कर्म के डंडे नहीं पड़े है ना, इसलिए जैसा चाहते वैसा होता, तो बस कर्ता बुद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी और हर समय आनंद गुनी है, और जीव को समझाओ, क्या समझाओ कि तू इससे भिन्न गायक तत्व आत्मा है, वो समझ में ही नहीं आती, वो समझ से ही बाहर आती, बताओ क्या करना, क्या करना है, फिर आगे करता बने पे आप, क्या करना है, क्या धरना है, क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, कहना फिर आ गए आप, अपनी औकात पे, अपनी औकात नहीं छोड़ोगे, ये है इतनी चर्चा करने के बाद भी ये है जीव की दशा,
बताओ, जब इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद जी पी ए जैसा है, तो इस जी पर क्या होगा? और छोड़ नहीं, इसलिए कहते हैं इस संसार से निकलना हंसी खेल नहीं हुई। इस चार गति संसार के चक्रव्यूह को तोड़ना, राग मोह की परिणति को तोड़ना, और राग मोह की परिणति को तोड़ के अपने आप को इन सबसे भिन्न चैतन्य में ध्रुव आत्मा अनुभव करना, ये हंसी खेल नहीं है। ध्रुव तत्व की पकड़ होना हंसी खेल नहीं है, अपने निश्चितात्म की पकड़ होना हंसी खेल नहीं है। हर किसी को नहीं होती भगवान, हर किसी को अपने चैतन्य स्वभाव की पकड़ नहीं होती। चैतन्य तत्व की पकड़ करने के लिए बहुत गहरी निष्ठा चाहिए, बहुत गहरा विश्वास चाहिए। अरे भगवान जी, शुभ अशुभ परिणमन को एक कचरे में डालना पड़ता है, और ऐसे नहीं संभाल करते हुए नहीं, कभी कभी तो संभाल ना होते हुए कचरे में डालना पड़ता है कि नहीं हो पा रही, अपने हाथ में बनी नहीं रही। चाहते हुए भी नहीं रोक बदल पा रहा है परिणाम को, चाहते हुए भी कषायों की धारा को नहीं रोक पा रहा है, चाहते हुए विषयों की धारा को नहीं रोक पा रहा है, चाहते हुए भी हम अपने क्रोध आदि परिणाम को नहीं रोक पा रहा है। जब ऐसा चलता हुआ परिणाम देखते हैं, तब कहीं जाके एकाध बार याद आ जाए कि अरे 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 भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो, क्या कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। अब याद कर लो कि भगवान जी इस परिणमन में तो तुम्हारा हस्तक्षेप है ही नहीं, जैसा परिणमन हो रहा है वैसा अपनी धारा से हो रहा है, और तुम्हें यदि आनंद में रहना है तो कर्ता बुद्धि तोड़ दो और साक्षी भाव से मस्त रहो, जीवन में सुखी सुखे। कितनी समझ में आएगी बात बताओ? यदि अपन ऐसी चर्चा करें कि जीवात्मा कर्ता बुद्धि तोड़ दो, कुछ नहीं करना, शांत रहो, सुंदर रहो, आनंद रहो, मौन रहो, यदि बात हम आपको समझाएं, अरे आपको तो छोड़ो, यदि बात हम अपने आप को समझाएं तो हमें कितनी समझ में आएगी? जितनी समय बकवास कर रहे उतनी समय अभी लग रही अच्छी अच्छी अच्छी, और जे शब्द रुके और सब खत्म, डब्बा गोल, बस यहाँ ये चर्चा कर ली, अब आत्मा हल्की हो गई। हाँ मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, परिणमन से दब रहे थे, पर्याय से दब रहे थे, वो दबाव थोड़ा टूट गया छयोपशम के बल पे, अंतर ज्ञान के बल पे नहीं, छयोपशम के बल पे, शुभ राग के बल पे। शुभ राग की चर्चा हो गई, आत्मा की बिंदास चर्चा हो गई बहुमान वाली, तो क्या हुआ, अशुभ का जो रस आ रहा था वो थोड़ी देर के लिए टूट गया, अब आत्मा ने शुभ उपभोग करके निर्द्वंद हो गई। अब आत्मा की प्रतीति भूल कुछ याद नहीं आने वाली, अब तो सब भूल गए, वो खिंचाव ही बस साधना है, बस जितनी देर खिंचाव होता है ना कि अंदर में वो अंतर ध्रुव शक्ति खींचती है, बस वही साधना है, या उसकी प्रतीति आती है वही साधना है, उतनी उतनी साधना है जितनी प्रतीति बढ़ती है, खिंचाव होता है उतनी साधना है, बाकी तो सब शुभ परिणाम है। और जब तक इस शुभ अशुभ में अपन लगे हुए हैं तब तक अपना संसार अनंत है। देखो भैया चलती विरिया है, अब ये चर्चा अपन 1 घंटे कर लो तो भी यही बोलेंगे हम, 1 घंटे और करवा लो हमसे तो भी हम यही बोलते रहेंगे, और तुम सुबह से लेकर शाम तक बैठाते और बैठा कर रखो तो भी हम यही पूछते रहेंगे कि वो सिद्ध भगवंतों को सिद्ध किसने किया जो अनादि सिद्ध, और उन नित्य निगोलिया जीवों को निगोद में किसने भेजा जो नित्य निगोलिया ही है, हमें तो इन दोनों का जवाब ला के दे दो। और जब आप कह रहे हो कि वस्तु की स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, तो तुम क्यों पागल हो रहे हो दिन रात, जब द्रव्य स्वतंत्र ही है तो बढ़िया प्रसन्न चित्त आनंद में और निराकुल, जब सारा प्रणमन अपनी योग्यता से ही हो रहा है तो तुम क्यों अपना सर मार रहे हो चलती हुई पर्याय में, तुम क्यों अपनी खोपड़ी फोड़ रहे हो, मस्त रहो ना, आत्मा से सुरत रखो ना। अब रखो कहना पड़ता है, सहज समता साक्षी भाव में आत्म तत्व की सुरत रखो ना, बढ़िया आनंद से आनंद भाव का अमृत रसपान करो ना, क्यों मूर्ताओं में मरे जा रहे हो, मोहे में आग लगा रहे हो, मोहे से घर में आग लगा रहे हो, मोहे में आग लगा देते तो मुक्ति हो जाती, मोहे में आग लगाओ और आत्म तत्व को यथार्थ रूप में जानो, यशस्वी आत्मा को जानो, कि वो तो सिद्ध स्वभाव ही है, बाहर के यश कीर्ति को मत जानो। कठिन चर्चा जरूर है और थोड़ी सी कठिनाई जरूर लगी है सुनने में, और जिन्हें द्रव्यान योग की रुचि है उन्हें तो बड़ा आनंद आया होगा, बड़ा आनंद से उछाल आया होगा, क्योंकि द्रव्यान योग के रसिक जो जीव हैं उन्हें ये चर्चा अच्छी लगती है।
और हमारा पक्ष भी हमेशा द्रव्यानुयोग का ही रहा है, लेकिन बात यह है कि अनुयोग तो चारों ही मुक्ति के मार्ग दाता है, चारों द्वार ही कल्याण के हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग को विशेष इसलिए कहा जाता है कि उसमें द्रव स्वभाव की पकड़ होती है। कल्याणुयोग को विशेष इसलिए कहा जाता है कि उसमें परिणामों का मापतोल बिल्कुल सही होता है। प्रथमानुयोग को विशेष इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे लिए जीवन आदर्श चारित्र को प्रकट करता है। और भैया चरणानुयोग तो अपने में संयम की महत्ता से विशाल है ही, तो चारों अनुयोग अपने अपने में परिपूर्ण है, लेकिन द्रव्यानुयोग द्रव स्वभाव की व्याख्या करने से चारों अनुयोग द्रव्यानुयोग के अंदर गर्भित हो जाते हैं सहज। क्यों? क्योंकि द्रव का स्वभाव ही प्रणमन करना है, और जो द्रव है वो कहीं ना कहीं तो प्रणमन करेगा। तो अपना स्वद्रव अपनी प्रतीति में आए, आज की चर्चा का सार यह है। यदि मोहित जी उपस्थित हो तो रेसेंड कर दे, यदि हमारे बात कोई ले रहा हो तो वो रेसेंड कर दे, नहीं तो 9 बजे तक हम ही 10 बजे तक हम ही ले रहे हैं पूरा 7 मिनट, और मंदिर विधि की टीम तैयार हो तो रेसेंड कर दे, हम छोड़ देंगे। तो हम यह कह रहे हैं कि यदि आपको यदि ऐसे अनादि अनंत सिद्ध स्वभाव की महिमा नहीं आती या हमको नहीं आती तो अपना जीवन कचरा है होगा। द्रव्यानुयोग की सिद्धि करने के लिए आपको द्रव स्वभाव को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि द्रव्यानुयोग की सिद्धि करते करते कहीं कर्णानुयोग को नकार ना दो, ये याद रखना। एक बार हमने जैसे नयो का हम पढ़ाए थे ना, नए चक्र पढ़ाए थे ना, कि एक नए दूसरे नए का विरोध नहीं करता, वैसे चारों अनुयोग कभी किसी अनुयोग को एक अनुयोग दूसरे अनुयोग को काटता नहीं, याद रखना। जैसे चारों अनुयोग जैसे सभी नए सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, अपनी अपनी बात को कहके वस्तु के न्याय का विवेचन करते हैं, वैसे ही चारों अनुयोग का एक भाव है वीतराग। और यदि यहाँ कोई कर्णानुयोग की चर्चा कर दे और आप द्रव्यानुयोग की चर्चा सुन के बैठे हो तो उसकी चर्चा को काट मत देना। यदि कोई चरणानुयोग से कह दे कि संयम करो संभाल करो स्वभाव करो तो उसकी बात काट मत देना। भाई तुमने किसी को काटा किसी को पीटा तो फिर तुम्हारा द्रव्यानुयोग तो तुम्हारी द्रव्यानुयोग की पकड़ सही नहीं। क्यों नहीं पकड़ सही? पकड़ समीचीन समीचीन पकड़ होनी की है जिन्हें अन्य अनुयोगों से प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें तो द्रव स्वभाव से मतलब है। कोई कोई संयम की बात कह दे तो भी शुद्ध आत्मा है, कोई परिणाम के संभाल की बात कह दे तो शुद्ध आत्मा है, कोई भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे दे तो शुद्ध आत्मा है, और कोई भैया द्रव ही शुद्ध है ऐसा कह दे तो शुद्ध आत्मा। जिसकी नजरों में अपना गे है उसे किसी अनुयोग से कोई फर्क नहीं। हाँ, रुचि अपनी अपनी होती है, किसी को कोई चर्चा अच्छी लगती है, किसी को महाराज जी की चर्चा अच्छी लगती है तो हमें देख के भग जाते हैं, और किसी को हमारी अच्छी लगती है तो वो आखिरी तक रुकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी रुचि अनुगामी अपना अपना पुरुषार्थ है, तो सबका अपना अपना क्षेत्र है भैया। हमारा क्षेत्र बिल्कुल ही अलग है, और एक बात इतनी सी है कि वो क्षेत्र है अपने स्वभाव को पकड़ने का, क्योंकि जिसका जिसकी शुरुआत जैसे होती है उसको उसी में आनंद आता, और हमारी शुरुआत सिर्फ शुद्ध आत्म तत्व का नाम सुन के ही हुई है। हमारी शुरुआत जो हुई है कि मैं स्वभाव हूँ बस इससे हुई, तो हमारा प्रियकर विषय हमेशा ही निःशुद्ध आत्मा रहा। हम कोई सी भी व्याख्या करें, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ें, आप कहीं से भी चर्चा करें, हम कर्णानि योग में गुण स्थान भी पढ़ाएं तो आप देखोगे कि हर एक गुण स्थान में आपको शुद्धात्मा के अलावा को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रुचि जिसको जहां से प्रकट हुआ उसको वहां का बहुमान। तो हमें शुरुआत हमारी यहां से हुई कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस शब्द से शुरुआत हुई। तो आप जहां भी सुनोगे हमें तो आपको बस यही सुनाई देगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। क्या है भैया? कि स्वभाव 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 विलसाई नाम धरे मेरो। आनंद में रहना है तो यही मूल मंत्र, और यदि आनंद में नहीं रहना, यदि दुखी रहना है, आकुलता व्याकुलता में रहना है, संसार में जन्म मरण करना है, तो फिर जो करना है वो करो। यदि निराकुल रहना है आपको, निश्चिंत रहना है, यदि इन पर्याय के चलते काल में भी इनसे भिन्न होने के लिए कोई शक्ति की आवश्यकता है, यदि आपको लगता है कि आप कमजोर हो गए परिणामों की संभाल करते करते, तो आप इस टॉनिक को पियो कि मैं सिद्धि ही हूं, आपके पास वापस शक्ति आ जाएगी,
मैं शुद्ध आत्मा ही हूं आपके पास वापस बना जाएगा और आपका ज्ञान अपने आप ही आपके परिणामों की परिणमन की संभाल करने लगेगा अपने आप ऑटोमेटिकली सब हो जाए। इसलिए भैया हमारा पुरुषार्थ, हमारी चेतना, हमारे अंतर की भावना, हमारे अंतर का गहरा भाव, अंतर की साधना की रुचि जगे और हम अनादि सिद्ध शक्ति को। हाँ सरला दीदी आपका अनम्यूट भी है, बोले क्या कहना चाहती हैं? भैया जी मैं ये कह रही थी कि वर्तमान में जीते हुए अपने परिणामों को जानना देखना करते जाओ तो सब चीज ऑटोमेटिक होती जाएगी। बिल्कुल सही है, जीव अपने अंतर में कर्णानी योग से देखे परिणामों को देखता जाए कि कैसे परिणाम चल रहा है, कैसा परिणाम चल रहा है देखता जाए, अपने आप संभाल होती जाए। इसलिए भैया यहाँ तो शक्ति जगाने की बात है, ये थोड़ी सी चर्चा थोड़ी सी द्रव्यान योग के सापेक्ष चर्चा है। ऐसा हो सकता है किसी लोगों किन्हीं को पसंद नहीं आई हो, लेकिन फिर भी यहाँ स्व की शक्ति जगाने के अभिप्राय से चर्चा है। कारण शुद्ध पर्याय का यदि व्याख्यान करें, यदि कभी अपन नियम साल लेके बैठे हैं तो कारण शुद्ध पर्याय यही है जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, लेकिन वहां कारण शुद्ध पर्याय होते हुए भी उसका लक्ष्य नहीं, जो अनादि सिद्ध अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में परिणमन करना है वो ही है कारण शुद्ध पर्याय। और ये जब पकड़ में आएगी, जब तुम्हें अपना पर्याय भाव, आकर्ता भाव, आभोक्ता भाव से जब तुम अपनी अंतरात्मा को स्व समय में जानोगे तब इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कारण शुद्ध पर्याय को पकड़ने का द्रव स्वभाव के अलावा कोई उपाय नहीं, आप प्रणाली योग से नहीं पकड़ सकते हो। हाँ प्रणाली योग से सिद्ध दशा से पकड़ सकते हो, अभी वर्तमान में नहीं पकड़ सकते। इसलिए भैया अपन अपनी अंतरात्मा में जो जान रहा है, जो जान रहा है, जो जान रहा है, जिसके अनंत अनंत गुण अनंत स्वभाव रूप प्रणमित हो रहे हैं, वो अनंत चतुष्टय में शाश्वत शुद्ध चेतना, वो मेरा प्रवाह है। इसका प्रमाण वे सिद्ध भगवंत हैं जो सिद्ध हुए नहीं है, सिद्ध ही है, सिद्ध हुए प्रमाण नहीं है। जो सिद्ध हुए हैं उनके लिए तो बहुत सारी कथाएं हो सकती है, लेकिन जो सिद्ध ही है उनकी कोई कहानी नहीं, और जिनकी कोई कहानी नहीं है वो सिद्ध परमात्मा में। बहुत कठिन है, लेकिन जो सिद्ध हुए हैं उनकी कहानी तो बहुत हो सकती है, उनके तो बहुत भवों का विस्तार हो सकता है, लेकिन जो सिद्ध ही है उनकी कोई कहानी नहीं हो सकती। और जिनकी कोई कहानी नहीं हो सकती वो है मेरा त्रकाल ध्रुव शाश्वत अविनाशी अपना स्वतत्व परमात्मा। इस स्व आत्मा की कहानी को अपन समझें, कहानियों से अतीत, स्टोरियों से अतीत अपने सिद्ध स्वभाव की श्रद्धा करें जिसकी कोई कहानी नहीं है, ऐसे परमात्म पद को जाने और ऐसे परमात्म पद को स्वीकार करें तो आपका और हमारा शीघ्र कल्याण हो। इसी मंगल भावना से सभी से उत्तम क्षमा की भावना के साथ जय तारण तरण, जय 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 नमोस्तु। परम तत्व बिंदु पर।